नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे। आज हम डिस्कस करेंगे डीप पेंटिंग प्रोसेस के बारे में। जो डीप पेंटिंग प्रोसेस है वो कैसे काम करती है, उसका क्या तरीका है। तो डीप पेंटिंग प्रोसेस जो है, जो इसको ये नाम दिया गया है डीप पेंटिंग, किसी चीज़ के अंदर डीप करना। मान लीजिए कोई कंटेनर है वाटर का और आप इसके अंदर कोई चीज़ डालते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो उसको बोलते हैं डीप करना। जैसे आपने देखा होगा चाय के अंदर जो टी आती है पैकेट वाली, तो उसको हम डिप करते हैं। जब उसको हम डिप करते हैं तो अपना कलर इसके अंदर छोड़ती है, तो उसको भी हम बोलते हैं डिपिंग। तो डिप पेंटिंग का क्या मतलब है कि डिप पेंटिंग किसी चीज़ के अंदर डिप करना, जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसके अंदर डिप करना और उसके अंदर एक परत चढ़ा देना पेंट की, तो उसको हम पेंटिंग बोलते हैं। तो डिप पेंटिंग प्रोसेस इसलिए इसको नाम दिया गया है। तो इसके अंदर देखिए क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि ये लार्ज प्रोडक्शन के लिए काम में लाई जा सकती है। इसे लार्ज प्रोडक्शन रेट होता है, काफ़ी सारे मटेरियल को हम एक साथ पेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला प्रिंसिपल है उसको। मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो पार्ट होता है उसको हम देते हैं पॉजिटिव चार्ज और जो पेंट होता है उसको हम देते हैं नेगेटिव चार्ज। पार्ट को पॉजिटिव और पेंट को नेगेटिव। इसकी हेल्प से हम एक परत चढ़ाते हैं एक पार्ट के ऊपर, एक मेटल के ऊपर, ताकि उसको उसकी जो क्वालिटी है, उसका एब्रेशन रेजिस्टेंस है, वियर रेजिस्टेंस है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, उसको बढ़ाया जा सके। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए कोरोजन से, एब्रेशन से, वियर से इन पेंटिंग प्रोसेसेस का यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। देखिए ये कन्वेयर है, ये कन्वेयर सिस्टम है। कन्वेयर क्या काम करती है, कन्वेयर हमारी इस पार्ट को आगे ले जाने का काम करती है। जो ये कन्वेयर है इस तरह से मूव करेगी, ये लगे हैं पार्ट, ये पार्ट है जो कि हमें पेंट करना है, ये पार्ट है और ये भी पार्ट है जो कि हमें पेंट करना है। सबसे पहले जो पार्ट होता है उसकी क्लीनिंग की जाती है, क्लीनिंग की जाती है ताकि उसके ऊपर कोई भी डस्ट के पार्टिकल हैं या कोई भी उसके ऊपर कुछ किसी भी तरह का मटेरियल है, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया जाए। क्योंकि जितना साफ़ हमारा मेटल होगा पेंटिंग से पहले, उतनी ही अच्छी क्वालिटी और उतनी ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई पार्ट है उसके बीच में कुछ स्मॉल स्मॉल होल्स हैं, तो उनको प्राइम किया जाता है, प्राइमिंग की जाती है उसकी, प्राइमर, उसके ऊपर प्राइमर अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे जो वर्किंग हो रही है ये आप क्लीनिंग भी ले सकते हैं या फिर प्राइमिंग भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मेटल। जो ये क्लीनिंग सॉल्यूशन होता है, अगर प्लास्टिक की बात करें तो विनेगर प्लस वाटर इसका सॉल्यूशन होता है, विनेगर प्लस वाटर का, और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया जाता है। और अगर मेटल की बात करें तो वो अलग अलग तरह के सॉल्यूशन अलग अलग मेटल के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्लीनिंग और प्राइमिंग की जाती है। अगर क्लीनिंग की ज़रूरत है तो क्लीनिंग सॉल्यूशन आप यूज़ करेंगे, अगर प्राइमिंग की ज़रूरत है तो आप प्राइमिंग सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, या फिर अलग अलग भी आप इस प्रोसेस को ले सकते हैं, पहले क्लीनिंग और फिर प्राइमिंग। तो अकॉर्डिंग टू मेटल ये आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये कन्वेयर है, कन्वेयर के साथ हमारे पार्ट लगे हुए हैं। तो जैसे ही इस क्लीनिंग सॉल्यूशन या प्राइमिंग सॉल्यूशन में आएंगे तो वो क्लीन होंगे और प्राइम होंगे। प्राइमिंग सॉल्यूशन का अगर हम यूज़ करेंगे तो प्राइम होंगे, क्लीनिंग सॉल्यूशन का अगर हम यूज़ करेंगे तो ये साफ़ हो जाएंगे। साफ़ होने के बाद जैसे जैसे कन्वेयर आगे चलती रहेगी, ये मेटल पार्ट आगे आएंगे, ये आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे है हमारा पेंट सॉल्यूशन, पेंट सॉल्यूशन है जो कि है हमारा नेगेटिव चार्ज, और ये जो मेटल हैं हमारे ये हैं पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज जो पेंट है, तो इसके अंदर से इसका फ़ायदा क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, जो हमने एनोड और कैथोड ये बनाए हैं, कि जो पेंट है नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। उससे अट्रैक्ट होने से क्या होगा, ये इसके ऊपर चारों तरफ से चिपक जाएगा, अच्छी तरह से चिपक जाएगा। डिपिंग करने के कारण ये सॉल्यूशन इसके चारों तरफ से इसको कवर कर लेगा। जैसे ही कवर करके हम इसको बाहर ले जाएंगे, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पेंट है जो कि इससे बाहर आएगा, नीचे आएगा, तो वो जो ड्रॉप्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। तो
तो इसके लिए अलग कंटेनर लगाया गया है कि जैसे ही पार्ट बाहर आता है तो उसके जो ड्रॉप्स हैं, जो ड्रॉप्स आएंगी, जो बचेंगी, नीचे गिरेंगी, तो वो इसमें इकट्ठी कर ली जाती हैं। तो ये पार्ट जब कोटेड हो जाता है, इसका ये डिपेंड करता है इसकी कोटिंग इसके टाइम पे कि कितने टाइम के लिए हमने इसको अंदर रखा और कितने टेम्परेचर पे ये जो हॉट पेंट है हमारा। तो टाइमिंग और टेम्परेचर डिपेंड करता है। अगर हम ज़्यादा टाइम तक रखते हैं तो उतनी ही थिक हमें कोटिंग मिलती है, कम टाइम के लिए रखते हैं उतनी ही कम थिक हमें थिन मतलब कोटिंग मिलेगी, कम थिक मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू टाइम ये वेरी करती है। और जब ये आगे जाता है, यहाँ से आगे जाता है ओवन के अंदर, ओवन के अंदर इसको बेक किया जाता है। बेक करने का क्या मतलब है कि जो ये पार्ट है इसके अंदर, इसके ऊपर जो ये कोटिंग हुई है वो अच्छी तरह से फ्यूज़ हो जाए, अच्छी तरह से सेटल डाउन हो जाए और अच्छी तरह से वो अपनी जगह ले ले, वो उसके लिए इसको बेक किया जाता है ओवन के अंदर। और फिर ओवन से, ओवन के बाद उसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, उसके लिए वाटर का यूज़ किया जाता है। तो उसको ठंडा करने के बाद, उसको ठंडा करने के बाद रख दिया जाता है और हमारा जो पार्ट है वो कोटेड हो जाता है। उसके ऊपर एक पेंट की परत आ जाती है जिससे कि वो वियर रेजिस्टेंस, उसकी क्वालिटी, उसका एब्रेसिव रेजिस्टेंस, वो सब कुछ बढ़ जाता है। तो उससे उसको फ़ायदा मिलता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज होती है, उसकी लाइफ इंक्रीज होती है। तो इस तरह से डीप पेंटिंग प्रोसेस काम करती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।